तो भाई ऊपर से लिक्विड चीज़ लगाई गई है चारों साइड से, और अपनी जितनी टॉपिंग वाले मटेरियल थे ऊपर कॉर्न वगैरह डाल के, और ऊपर से देख रहे हो आप चीज़ जो लगाई गई है वो पूरी भर दी गई है ऊपर से। तो आज सभी लोगों ने मम्मी के हाथ का खाना वो तो बहुत खाया होगा घरों में, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको लेकर भाई गुमटी नंबर 5 कानपुर में मॉम्स चॉइस। तो भाई सबसे पहले पूछते हैं भैया से कि इन्होंने ये नाम क्यों रखा। तो भैया जी राम राम। राम राम भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो आप सबसे पहले तो अपने ये जो आपने अपने काउंटर का नाम रखा हुआ है मॉम्स चॉइस पिज्ज़ा लाइव, ये ऐसा मतलब क्यों रखा आपने? ये दरअसल मम्मी ने नेम रखा था, काफ़ी टाइम पुराना नेम है। अच्छा, जहाँ पे भी अपना फूड शॉप डाली है यही नेम रहा है। मतलब पहले भी रखी है आपने इससे पहले शॉप? हाँ जी हाँ जी, सेम ही। सेम ही। और जितने प्रोडक्ट्स अभी आप दे रहे हो वही दे रहे थे? जी जी जी। तो पहले कहाँ पे थी आपकी शॉप? पहले मेरी पिज़्ज़ा की थी खाली आगे। हाँ, ओल्ड वी मार्ट पे। ओल्ड वी मार्ट पे। हाँ, पिज़्ज़ा शॉप थी। और अपनी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग भी है यहाँ पे अपनी 4 बजे से है रात के 10 बजे तक। और 7 डेज ओपन? हाँ जी। या कोई ऑफ? वैसे तो नहीं, मंडे वैसे ऑफ हो जाता है कभी कभी। कभी कभी मंडे ऑफ, मतलब जैसे कि मंडे को गुमटी की मार्केट बंद होती है। हाँ जी हाँ जी। और अपने पास है क्या क्या वैसे? अपने पास पिज़्ज़ा होंगे। हाँ, और अपने पास रोल्स हो जाएंगे, मोमोज हो जाएंगे, मैकपफ है, चीज़ मैकपफ, और अपने पनीर मोमोज हैं। पिज़्ज़ा में आपके पास कितनी वैरायटी है? पिज़्ज़ा में अपने पास 7 वैरायटी है। 7? तो जो ज़्यादा स्पेशल अभी रेगुलर चलती हैं। हाँ। मिक्स हो गया, कॉर्न हो गया या पनीर हो गया। तो भाई चीज़ मैकपफ हम ट्राई करेंगे इनका, और भैया का हम ट्राई करने वाले हैं मिक्स वाला पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले यार हमने पिज़्ज़ा का बेस, पिज़्ज़ा सॉस। यस भाई, सबसे पहले आई अपनी पिज़्ज़ा सॉस, और ये आप खुद से रेडी कर दो क्या? यस, मतलब सारा आइटम आपका होममेड है? हाँ जी, बस चीज़ छोड़ के। चीज़ छोड़ के, वो तो कंपनी की आएगी। ये आ गए अपने ऑनियन। तो ऊपर से आ रहा अपना प्याज चॉप्ड किया हुआ, और ये आ रहा अपना शिमला मिर्च, और ऊपर से आ गई ये कॉर्न, और ये आ रहा ऊपर से पनीर। तो भाई ये आ गई अपनी लिक्विड चीज़, ऊपर से लिक्विड चीज़ लगाई गई है चारों साइड से, और अपनी जितनी टॉपिंग वाले मटेरियल थे ऊपर कॉर्न वगैरह डाल के, और ऊपर से देख रहे हो आप चीज़ जो लगाई गई है वो पूरी भर दी गई है ऊपर से, और ये आ रही अपनी मोज़रेला चीज़। तो लिक्विड चीज़ ऊपर से देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा डाली गई थी, मतलब वो पूरा जो पिज़्ज़ा था जितनी टॉपिंग वगैरह ऊपर से डाली गई है जितना कॉर्न और कैप्सिकम ऑनियन सब ढक गया था, और उसके बाद ऊपर से मोज़रेला हल्की से डाल के अब इसको लेके चलते हैं अपने ओवन के अंदर, और लगभग 3-4 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है पिज़्ज़ा पकने के लिए। तो ये चीज़ मैकपफ है आपका? जी जी जी। इसके अंदर फिलिंग किस किस चीज़ की होती है? इसके अंदर रहेगी वेजेस, रहेगी कॉर्न वगैरह सब रहता है अपना चीज़ रहता है। तो भाई इसको फ्राई कराते हैं पहले। भाई अपना मैकपफ हो चुका है फ्राई और आ रहा है बाहर, अभी से कराए कट पहले। क्या चल रहा प्लेट पे, और भी इस पर साथ में क्या क्या देंगे? चटनी मिल गई अपनी, टोमेटो केचप। तो चलिए पिज़्ज़ा भी अपना पक रहा है, दोनों एक साथ ट्राई करेंगे हम लोग। तो भाई पिज़्ज़ा भी हो चुका है अपना डन, आ गया पक के बाहर ओवन से, और अभी आएगा अपनी प्लेट पे। तो भाई चलिए ट्राई करते हैं सबसे पहले अपना पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा होने के बाद मज़ा नहीं आती है। तो सबसे पहले ऊपर से हमने चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं, के बाद हमने ऑर्गेनो, तो उठाते हैं एक स्लाइस और ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। ऊपर से आप देख रहे हो चीज़ जो पक गई थी तो हल्की सी ब्राउन हो गई थी, तो वो लेयरिंग बहुत गजब की लग रही है, और जो इनका नीचे जो बेस था वो भी बहुत अच्छा सॉफ्ट था और क्रिस्पी हो चुका है। तो इनके पिज़्ज़ा का जो प्राइस है, ये जो इनका स्पेशल वाला है, इसका 70 रुपीज़ है। अब हम ट्राई करते हैं चीज़ मैकपफ। हल्का हल्का मीठापन है, और चीज़ और वेजीज इसके अंदर फील हैं, कॉर्न की वजह से हल्का हल्का मीठापन, और जब इसको मोमो चटनी के साथ खाओगे ना तो गज़ब का फ्लेवर दे रही है, और ऊपर से जो लेयरिंग है इसकी वो बहुत ही क्रिस्पी है, मतलब जब रोल वगैरह खाते हो तो वो अलग ही टेस्ट देती है, मतलब जब तक अगर क्रिस्पी लेयर ना मिलेगी तो खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसका प्राइस 30 रुपीज़ और पिज़्ज़ा का प्राइस 70 रुपीज़। तो क्या चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। शॉप का नाम है मॉम चॉइस पिज़्ज़ा लाइव, ये आपको मिलेगा गुमटी नंबर 5 कानपुर में। सबसे फेमस लैंडमार्क पहले दिखाते हैं, ये बनाया नया वाला वी मार्ट, उसके बगल में आपको शॉप मिलेगी, और इधर से आ रहे होगा अगर
संत नगर चौराहे से और जा रहे हैं गुमटी चौराहे के लिए, तो शॉप आपको लेफ्ट साइड में मिलने वाली है। और जब इधर से आ रहे हैं गुमटी वाली क्रॉसिंग की तरफ से और जा रहे हैं संत नगर चौराहे के लिए, तो शॉप आपको राइट हैंड मिलेगी। फेमस लैंडमार्क फिर से समझ लीजिए, ये बना हुआ है नया वाला वी मार्ट, उसके जस्ट बगल में आपको शॉप मिलेगी। फाइनली अपने ब्लॉग एंडिंग यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूला करिए। बाय बाय, चेक कर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।